हेलो दोस्तों, जांगड़ा कंप्यूटर एजुकेशन की पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था होम मेन्यू कंप्लीट, यानी कि होम मेन्यू में जितने भी हमारे पास ये ऑप्शन है ये सब हमने क्लियर कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे इंसर्ट मेन्यू, यानी कि इंसर्ट टैब। तो जैसे हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये विंडो ओपन होती है। इसके अंदर इंसर्ट मेन्यू के जितने भी ऑप्शन है वो यहाँ पे दे रखे हैं। इंसर्ट का मतलब होता है ऐड करना, डालना। तो जैसे हमने यहाँ पे प्रेजेंटेशन तैयार कर रखी है, अगर हमें इसमें कोई भी टेबल बनानी हो तो हम कहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट मेन्यू में। तो जैसे हम यहाँ पे एक स्लाइड ले लेते हैं, ये हमने ब्लैंक स्लाइड ले ली। इंसर्ट मेन्यू में जाके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोई भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए हम इंसर्ट मेन्यू में जाके यहाँ पे टेबल पे क्लिक करेंगे और हमें जितने भी कॉलम और रो की टेबल चाहिए वो हम यहाँ से ले लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, या फिर आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक कर दो। जैसे आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करते हो यहाँ पे मिलेगा नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रो। तो आपको जितनी कॉलम की टेबल चाहिए, जैसे मेरे को चार की चाहिए तो हम यहाँ पे चार डाल देंगे, और जितनी रो आपको चाहिए उतनी रो आप डाल दो। जैसे 4x12 के हमें एक टेबल बनाने, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स में लिख देंगे 4 और नंबर ऑफ रो में लिख देंगे 12। तो ओके कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, ये टेबल डिजाइन हो जाएगी, टेबल तैयार हो जाएगी। और इसको डिजाइन देने के लिए देखो, मैंने आपको एमएस वर्ड में भी बताया था, एक्सेल में भी बताया था, जब भी हम यहाँ पे टेबल इंसर्ट करते हैं, जैसे हम टेबल बनाते हैं उस टाइम पे हमारे पास टेबल टूल्स के अंदर मेन्यू आ जाएगा, डिजाइन मेन्यू। तो जहां से हम क्या कर सकते हैं, उस टेबल की जो वो डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे ही आप कोई भी डिजाइन को सिलेक्ट करोगे तो वो टेबल जो वो आपकी उसी डिजाइन में यहाँ पे आ जाएगी। तो इसमें आप कोई भी डाटा जो वो अपना तैयार कर सकते हो इस तरह से। देखो इस तरह से आप टाइप करके पहले कॉलम बना लो, जैसे सब्जेक्ट का बना दिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेम लिखते जाएंगे अपने जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके रोल नंबर क्या है वो लिख देंगे, क्लास कौन सी वो लिख देंगे, और सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो लिख देंगे। तो किसी भी प्रकार के अगर आपको टेबल बनानी हो पावर पॉइंट के अंदर, यानी कि कुछ भी आप प्रेजेंट करने के लिए, कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हो, कोई भी अपना प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हो, तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इस तरह से टेबल इंसर्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। यानी कि रो और कॉलम बनाने के लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, इंसर्ट मेन्यू में, और इंसर्ट मेन्यू में जाके हम यहाँ से क्या कर देंगे, टेबल इंसर्ट कर देंगे। तो वो टेबल यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। जैसे टेबल यहाँ पे इंसर्ट होती है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टेबल टूल्स के अंदर डिजाइन मेन्यू में हम यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। तो ये डिजाइन मेन्यू मैंने आपको पिछली वीडियो में, या फिर एमएस वर्ड एक्सेल जब मैंने आपको करवाया था उसमें मैंने आपको क्लियर करवा रखा है। तो सेम वैसे ये डिजाइन मेन्यू भी काम करेगा, इससे हम ओनली टेबल की डिजाइन करते हैं, स्टाइलिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा टॉपिक है वो हम देखते हैं। जैसे ये तो टेबल हो गई हमारी, टेबल कैसे बनाते हैं वो हो गया इसमें। अब यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू में नेक्स्ट हमारे पास है पिक्चर। अगर आप प्रेजेंटेशन के अंदर कोई भी पिक्चर बनाना चाहते हो तो हम यहाँ से एक स्लाइड ले लेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करनी है, प्रेजेंटेशन के अंदर कोई पिक्चर ऐड करनी है। तो किसी भी प्रकार की पिक्चर ऐड करनी हो, फोटो अगर आपको प्रेजेंटेशन में लगानी हो, तो आप कहाँ पे जाओगे, इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करके, पिक्चर पे क्लिक करके आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अपने जिस भी फोल्डर में, जिस भी डिस्क में पिक्चर हो आप यहाँ से सिलेक्ट करो। जैसे मेरी पिक्चर है डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे हमें वो फोल्डर मिल जाएगा फोटो का या फिर पिक्चर का। तो आपको जैसे भी फोटो चाहिए वो आप उस फोल्डर में जाके ओपन कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ से ये फोटो ले ली और यहाँ पे आ गई। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कोई भी फोटो या पिक्चर अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर ऐड कर सकते हो। और ऊपर वाला जो फॉर्मेट मेन्यू है, इसमें कंप्लीट जो फॉर्मेटिंग है वो पीछे जैसे मैंने आपको करवाए थे सेम वैसी होगी। अब जैसे इस फोटो पे हमें कोई इस तरह का बॉर्डर या फिर इस तरह की कोई भी पिक्चर स्टाइल हमें अप्लाई करनी हो तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। देखो ये मैंने एक पिक्चर ले रखी है। पिक्चर कैसे ली, इंसर्ट मेन्यू में जाके पिक्चर पे क्लिक किया, और जहां पे भी मेरे पास पिक्चर है जिस भी फोल्डर में,
आप वहां से उसको ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद में वो यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पे आने के बाद में पिक्चर टूल्स के अंदर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, पिक्चर की स्टाइलें चेंज कर सकते हैं। हम देखो इस पिक्चर को हम ऐसे अलग अलग स्टाइल में चेंज कर सकते हैं, तो जिस भी स्टाइल में आपको ये सेट करनी हो उसी स्टाइल में आप इस पिक्चर को सेट कर सकते हो। और ये पिक्चर को शेप में भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से ये पिक्चर शेप है, पिक्चर को आप इस तरह से शेप में भी चेंज कर सकते हो। तो आपको जैसे भी शेप चाहिए आप उस पिक्चर को यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ये बॉर्डर कलर दे रखा है, जिससे पिक्चर का जो बाउंड्री कलर है वो हमने व्हाइट ले रखा है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, यहाँ से बॉर्डर कलर चेंज कर सकते हो। और ये पिक्चर इफेक्ट है जिसके ऊपर आप शैडो या फिर ग्लो इफेक्ट, ये इस तरह की इफेक्ट आप डाल सकते हो, इस तरह से यहाँ पे इफेक्ट डल जाएंगे। तो ये था हमारा नेक्स्ट ऑप्शन इंसर्ट मेन्यू में पिक्चर। तो अगर आपके पास पिक्चर है कंप्यूटर के अंदर, तो आप उसको इंसर्ट मेन्यू में जाके पिक्चर पे क्लिक करके उस पिक्चर को आप अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर क्लिप आर्ट, देखो हमने टेबल कर लिया, पिक्चर कर लिया, अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है, क्लिप आर्ट। तो क्लिप आर्ट से अगर आपको कोई भी फोटो या फिर कोई भी पिक्चर उठानी हो तो आपको क्या करना है, जैसे हम यहाँ पे एक स्लाइड और ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमें जो फोटो या फिर जो भी वीडियो हमें डालने है, जिस भी तरह का हमें क्या करने पिक्चर डालने है, तो वो हम क्लिप आर्ट से ले सकते हैं। तो इंसर्ट मेन्यू में जाओ, जैसे आप क्लिप आर्ट पे क्लिक करते हो, यहाँ पे क्लिप आर्ट्स में देखो सर्च फॉर का ऑप्शन आ रहा है, तो जो भी पिक्चर आपको चाहिए उस पिक्चर का नेम आप यहाँ पे डाल के गो पे क्लिक कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे कुछ भी मत डालो, क्लिप आर्ट में जितने भी फोटो आपको देखने हो आप यहाँ पे कुछ भी मत डालो, इसको खाली छोड़ दो, डायरेक्ट आप गो पे क्लिक कर दो। तो जैसे आप गो पे क्लिक करते हो जितने भी क्लिप आर्ट हो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आ जाएंगे। आपको जैसे भी फोटो या पिक्चर यहाँ से चाहिए वो यहाँ से यहाँ पे क्लिक करके ले सकते हो। ये देखो इसके अंदर आ जाएगी। तो सेम ये जो ऊपर वाला फॉर्मेट मेन्यू है ये भी वैसे ही काम करेगा जैसे मैंने यहाँ पे इस फोटो पे फॉर्मेटिंग करके दिखाई है, पीछे हमने देखो यहाँ पे इस फोटो के ऊपर फॉर्मेटिंग की थी, सेम वैसे यहाँ पे फॉर्मेटिंग होगी जैसे इस पे की थी हमने। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसमें और इसमें फर्क क्या है, अगर कंप्यूटर में पिक्चर है तो हम पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करके उन पिक्चर को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर क्लिप आर्ट से कोई पिक्चर लेनी है तो हमें क्लिप आर्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, और सर्च फॉर्म में हमें क्या करना है, उस फोटो का नेम डालना है जो भी आपको फोटो चाहिए, या फिर आप डायरेक्ट गो पे क्लिक कर दो, यहाँ पे क्लिप आर्ट में जितनी भी फोटो होंगी वो आ जाएंगी और उनको आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो, इस तरह से आप क्लिप आर्ट से कोई भी फोटो ले सकते हो, ऐड कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। तो ये था क्लिप आर्ट ऑप्शन, और जैसे हम क्लिप आर्ट से कोई भी फोटो या पिक्चर लेते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास ऊपर पिक्चर टूल्स के अंदर सेम वही फॉर्मेट मेन्यू आएगा जो हमने पीछे किया है, अभी हमने पीछे जो किया है इस पिक्चर के ऊपर, तो वैसे आप इनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो ये था हमारा इंसर्ट मेन्यू में नेक्स्ट ऑप्शन क्लिप आर्ट। इससे अगला ऑप्शन है हमारे पास फोटो एल्बम। अगर आपको प्रेजेंटेशन पीपीटी के अंदर कोई भी फोटो एल्बम तैयार करना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्रेजेंटेशन लेंगे यानी कि एक न्यू पेज ले लेंगे या फिर न्यू स्लाइड ले लेंगे। तो हम यहाँ पे एक ले लेते हैं न्यू स्लाइड। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक फोटो एल्बम तैयार करना है। तो फोटो एल्बम के लिए आपको क्या करना है, फोटो एल्बम पे जाना है, इंसर्ट मेन्यू में क्लिक करके आप फोटो एल्बम पे क्लिक करो। जैसे आप फोटो एल्बम पे क्लिक करते हो तो आपको फोटो एल्बम यानी कि एल्बम में लगाने के लिए फोटो को इंसर्ट करना होगा, ऐड करना होगा। तो आपको कौन कौन सी फोटो लगानी है वो आप फाइल डिस्क पे क्लिक करके, और आप अपनी यहाँ से कोई भी फोटो ले सकते हो, जैसे हमारे पास ये फोटो है तो इनमें से आप कोई भी फोटो ले सकते हो, या फिर जैसे ये हमारे पास फोटो है इनमें से आप कोई भी फोटो ले सकते हो। तो जितनी फोटो आपको चाहिए उतनी फोटो को सिलेक्ट करके आप इंसर्ट कर दो। जैसे आप इंसर्ट करते हो यहाँ पे देखो उतनी फोटो आ जाएंगी, यानी कि एल्बम के अंदर हमें कितनी फोटो चाहिए, कितनी फोटो का एल्बम बनाना है
देखो स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको। आप यहाँ से एक स्लाइड लेके फोटो एल्बम पे क्लिक करो, फाइल डिस्क पे क्लिक करके आपको कितनी फोटो लेनी है उतनी फोटो को आप सिलेक्ट कर लो इस तरह से, और फिर कर दो इंसर्ट। जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक करते हो, यहाँ पे देखो ये 17 फोटो दिखा रहा है अभी आपकी, अभी यहाँ पे जो फोटो होगी कितनी फोटो सिलेक्ट होगी 17। तो जैसे हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, तो क्रिएट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक फोटो एल्बम तैयार हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में आपका क्या आएगा, फोटो एल्बम यहाँ पे नेम दिखाएगा, नीचे आप फोटो एल्बम किसका तैयार कर रहे हो उसका नेम वगैरह भी डाल सकते हो, और नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे फोटो आ जाएंगी। तो आपको जो फोटो यहाँ पे रखनी है उसको रखो, जिस फोटो को हटाना है उसको आप यहाँ से क्या कर सकते हो, डिलीट। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट जो पेज है वो तो क्या रहेगा, फोटो एल्बम का रहेगा। सेकंड पेज है वो क्या रहेगा, अगली फोटो जो भी है वो फोटो आ जाएगी यहाँ पे, और इसमें से जो भी फोटो आपको नहीं रखनी हो उसको आप सिलेक्ट करके क्या कर दोगे, स्लाइड्स के अंदर जाके डिलीट कर दो। अब जैसे ये पिक्चर हमें नहीं रखनी, तो यहाँ पे क्लिक किया और डिलीट पे क्लिक कर देंगे तो वो फोटो डिलीट हो जाएगी। अब ये देखो इन दोनों के बीच में ये जो फोटो ये नहीं रखनी, तो आप इसको सिलेक्ट करके क्या कर दोगे, डिलीट कर दोगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फोटो एल्बम तैयार करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो भी फोटोज हम यहाँ पे डालते हैं, या फिर जो भी फोटोज हम, या जो भी हम फोटो या फिर प्रेजेंटेशन हम यहाँ पे तैयार करते हैं उनके ऊपर स्लाइड्स कैसे डालते हैं, यानी कि एनिमेशन स्लाइड कैसे डालते हैं, मतलब इसको जैसे रोटेट करना हो, घुमाना, ऑटोमेटिक भी अपने आप स्लाइड करें, तो वो स्लाइड्स हम कैसे सीखेंगे, आगे सीखेंगे। एनिमेशन के अंदर आप यहाँ से डाल सकते हो स्लाइड। अब जैसे हमने जो भी ये फोटो एल्बम तैयार किए इनको देखना हो, तो पीपीटी के अंदर कोई भी स्लाइड या फिर कोई भी प्रेजेंटेशन को आप प्ले करना चाहते हो, तो प्ले की शॉर्टकट है F5। स्लाइड शो मेन्यू में जाके भी आप यहां से क्या कर सकते हो, ये देख सकते हो, प्ले कर सकते हो, या फिर एनिमेशन के अंदर जाके भी आप प्ले कर सकते हो। प्ले का मतलब होता है उसको देखना, जैसे कोई वीडियो है उसको अगर चालू करना है, देखना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्ले करते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पे F5 लगा के अपना जो फोटो एल्बम है वो देख सकते हैं। अब इसमें हम एंटर लगाएंगे तो नेक्स्ट फोटो हमें दिखा देगा, फिर हम एंटर लगाएंगे तो नेक्स्ट हमें दिखा देगा, फिर हम एंटर लगाएंगे तो नेक्स्ट हमें दिखा देगा। तो इसमें क्या है, हमें एंटर लगा के क्या करना पड़ रहा है, एक एक फोटो को देखना पड़ रहा है। तो F5 लगा के आप क्या कर सकते हो, पीपीटी के अंदर उन फोटोज को, उन फोटो एल्बम को या फिर उन वीडियो को प्ले कर सकते हो, उन प्रेजेंटेशन को आप प्ले कर सकते हो F5 से। लेकिन ये ऑटोमेटिक प्ले हो, तो ऑटोमेटिक प्ले कैसे करते हैं, माउस से कैसे करते हैं, एंटर लगा के एक एक को देखना हो, बैक वाली स्लाइड देखनी है, फ्रंट वाली देखनी है, तो ये सब मैं आपको अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज की वीडियो में हमने सीखा क्या है, इंसर्ट मेन्यू में टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, प्रेजेंटेशन के अंदर अगर कोई पीपीटी के अंदर पिक्चर तैयार करनी हो, क्लिप आर्ट से कोई पिक्चर उठानी हो तो वो कैसे लेते हैं, और उनकी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, और अगर आपको पीपीटी के अंदर पावर पॉइंट के अंदर अगर कोई फोटो एल्बम बनाना हो तो वो फोटो एल्बम हम यहाँ से लेते हैं, कितनी फोटोज हमें लेनी है, कितनी फोटोज को हमें हटाना है, वो डिलीट करना मैंने आपको यहाँ से बताया। तो आज की वीडियो में हमने सीखा टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट और फोटो एल्बम। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे की जितने भी ये इंसर्ट मेन्यू के ऑप्शन है।